नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो दोस्तों, आज हम आपको 6 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप गर्ल का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे आप जो है बहुत ही आसान तरीके से एक आपको इस तरह 6 नंबर लिखना होगा। देखिए, इस तरह आपको लिखना होगा, यहाँ पे ऐसे हाफ सर्कल बनाइएगा, फिर यहाँ पे आप ऐसे एक जीरो बना दीजिएगा, तो ये हमारा 6 नंबर हो गया। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक हमें ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा, फिर इसको इस वाले हाफ सर्कल के साथ मिला देना होगा। मिलाने के बाद एक छोटी सी हाफ सर्किल यहाँ पे बनाइए, एक छोटा सा हाफ सर्किल इस साइड बना दीजिएगा। हाफ सर्किल बनाने के बाद इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक हमें ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना होगा। सेम प्रोसेस इधर भी रिपीट करिएगा और यहाँ से हाफ सर्किल बनाते हुए इसको हमें ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देना होगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो ये मेरी गारंटी है आपको जो है गर्ल का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब देखिएगा, एक हाफ सर्किल यहाँ पे बनाइएगा, इसको हमें थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ कर देना होगा। ऊपर की तरफ करने के बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब आप जो है यहाँ पे भी ऐसे एक हल्का सा जो है हाफ सर्किल बनाते हुए इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ ऐसे बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद हाफ सर्किल बनाते हुए इसको हमें ऐसे मिलाना होगा। मिलाने के बाद यहाँ से जो है एक ऐसे थोड़ा सा जो है हाफ सर्कल बनाते हुए इसको आगे की तरफ, फिर यहाँ से नीचे की तरफ ले जाइएगा। एक लाइन यहाँ पे सीधी लाइन, इसको भी हम ऐसे डबल कर देंगे। इसी तरह जो है आपको इधर भी रिपीट करना होगा। देखिएगा, यहाँ से ऐसे करिए और इसको जो है अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ कर दीजिएगा। अब यहाँ से हमें जो है ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए आपको ऐसे इस हैंड को जो है बाहर की तरफ थोड़ा सा करना होगा। अब देखिएगा, यहाँ से आप इसको ऐसे टच कर दीजिएगा, नीचे की तरफ टच कर देंगे, यहाँ पे भी आप ऐसे टच कर देंगे। टच करने के बाद इसको हमें जो है थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ बढ़ा देना होगा। बाहर की तरफ बढ़ाने के बाद दोस्तों, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिएगा। इससे आसान तरीका आपने अभी तक नहीं देखा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लाइनें भी ड्रॉ कर देंगे। छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक हाफ सर्किल इधर बनाइएगा, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करिए, फिर ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ से आपको इसको ऐसे मिलाना होगा। एक लाइन आप और ड्रॉ कर दीजिएगा, फिर नीचे की साइड में हम मिला देंगे। अब नीचे की साइड में मिलाने के बाद एक यहाँ से ऐसे हाफ सर्कल बनाते हुए ऊपर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ करते हुए इस लाइन पे हम मिला देंगे। अब देखिएगा, अब आपको जो है यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करना होगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। तो इसके बाद दोस्तों, आप जो है यहाँ पे ऐसे हल्का सा जो है हाफ सर्किल बनाते हुए इसको हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल करना होगा, फिर ऊपर की तरफ भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से बैक साइड से जो है गर्ल का चित्र बनके तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, अब हम जो है पेंसिल की हेल्प से शेड देना शुरू करते हैं। इससे पहले आप जो है यहाँ पर इसका हैंड भी छोटा सा बना दीजिएगा।